गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हुए ना क्या टाइम होगी तू वैसे? हाँ वैसे तो एक लगना बजने पर, क्या करें, हमारी मॉर्निंग अभी हुई। तो कैसे हैं? बढ़िया, आई होप आप सब मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। और यहाँ से जाम लग रहा है और हम जा रहे हैं, यहाँ ऊपर छोटा सा एक पार्क है वहाँ पे जा रहे हैं हम क्योंकि ना खुशी अंदर बोरी बोर हो गई थी यार, तब जा रहे हैं हम उसको लेके उस छोटे से पार्क में। और आज धूप बहुत अच्छी लगी हुई सच में, और जाम बहुत लगा हुआ यार। और खुशी की मम्मी तो आपने इसका डांस देखा ही होगा कितना अच्छा डांस करते, बहुत अच्छा डांस करते। गाइस यहाँ पे हम पार्क में पहुँचे और हमने देखो बड़ा बच्चा कैसे बिठाया है, देखो देखो तो, अरे छोटा बच्चा से कप में पानी पी रहा। आप क्या कहना चाहेंगे अपने डांस के बारे में? इनसे मैं बार बार वही बात पूछ रहा ना, बहुत इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, हमने पूरी वीडियो ने डाली वो कोई होगी वो 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होगी वो, तो बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने सच में उस दिन। चम्मच दो इसका, चम्मच रुको मैं देता हूँ इसका चम्मच। बड़े बच्चा पानी पीते हुए, ये देखो पानी पीते हुए बड़ा बच्चा, क्या कहना, कैसा है पानी, मीठा है नमकीन है? अरे मेरा चम्मच दे दो, मेरा चम्मच दे दो, बोलो चम्मच, इसका चम्मच हम इसको साथ ही रखते। यहाँ पे एक रोटी पीते और एक चॉकलेट खाते और एक चोकोबार खाते, तीनों बच्चे देखो देख लो बाप पर एक बच्चे से खुली नहीं है, इसके पास भी है फ्रूटी पर ये पी नहीं रही है फ्रूटी अपनी वाली। और धूप भी बढ़िया लग रही है यहाँ पे, मेरा ख्याल हम शादी पर पहली बार आए उन्हें। हाँ इस पार्क की भी किस्ती है वैसे भी, और हम बहुत मतलब काफ़ी साल, मतलब 2-2.5 साल बाद अब आए उन्हें, मतलब इस पार्क में। हाँ 2-2.5 साल बाद आए हम इस पार्क में, अच्छा है, बढ़िया है, छोटा सा पार्क है ना, और बैठने के लिए बढ़िया है, धूप भी अच्छी लग रही है। दोनों यहाँ पे घूम रहे हैं धूप में, और यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पे छाँव आ गई तो ये इसलिए इधर चले गए धूप में। नेताजी पार्क, इतना दिमाग कहाँ से आता है आप में? ये ले लो पकड़ो चलो।
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आए हो सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आप देख सकते हैं अभी मैं सो के उठा हूँ जस्ट, और अभी सुबह के 7:30 हो गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया और मैं कहाँ हूँ। भाई मैं सुबह 7 बजे उठ गया था और न्यूज़पेपर को वालों का पता करना था ना कि न्यूज़पेपर वाला है यहाँ पे जो, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर लगाना था यहाँ पे, तो हमारे को डेली न्यूज़पेपर चाहिए था। तो उसके लिए मैं उठा था कि वो बंदा यहाँ मिलता है। यार मैं सुबह 7 बजे मतलब 7:30 बजे पहुँच गया मैं यहाँ पे, ठीक है, और 7:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 8 लगे बजने, तो अभी तक नहीं वो बंदा आया। और ठंड में इतने बुरे हाल हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं मैं चप्पल में ही हूँ और बस नींद में हूँ। बस जैसे मैं उठा मैंने मुँह भी धोया, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैं उठा और सीधा ही आ गया। तो अभी देखते यार मिल जाता तो ठीक है, क्योंकि तो हमारा काम चल जाना था ना, डेली न्यूज़पेपर से हमारा काम चल जाएगा था। अब देखते हो कब जैसे यहाँ आता है, अगर नहीं आया तो चलते हैं वापस, फिर अगर आ गया तो देखते हैं फिर। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों शूट करूँ ब्लॉग। तो सुबह जैसे मैं आया ना, मैं 8:30 के आगे पहुँच गया था रूम में आके, और मेरे को ऐसी नींद आई, ऐसी नींद कि पता नहीं लगा, और मैं फिर सो गया। फिर हम उठे, फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर फ्रेश वगैरह हुए, और बस फिर क्या, फिर खुशी के साथ खेलता रहा। और अब थोड़ी देर सो गई है और तो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्यों मुझे सुस्ती सी छा रही। जब से मैं वापस आ रहा हूँ कोपरी से, तो बहुत ज़्यादा सुस्ती छा रही, पता नहीं क्यों, क्या और मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का। मन मतलब ऐसा नहीं है कि मन तो करता है, बट पता क्या हो गया, सुस्ती छा रही। सोचता अभी चल अब शूट करूँगा। तो मैंने फाइनली कैमरा उठा ही लिया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली ब्लॉग लेके आऊँ, डेली ब्लॉग। तो अब मैंने खुद से चैलेंज किया है कि आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा, और शाम को 5 बजे, अब हमने टाइमिंग चेंज कर दी, तो शाम को 5 बजे आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। और कल का ये कुछ कल का ब्लॉग है, कुछ आज का है, तो 2 दिन हो गए। तो अब कल से रेगुलर हमारे ब्लॉग डेली आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि थोड़े से मौसम में बहुत चेंज हो गया, अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रही जितनी पहले ठंड थी ना। सुबह शाम की तो अभी ठंड है, बट अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। बताना कि ये कैसी लग रही है, ये जब मैंने हारकंडा किया था ना, मैंने तब ली थी, बट मेरे को टाइम ही लगा इसको पहनने का। मैंने सोचा मैं चल वहाँ पहन लूँगा, वहाँ तो पहनने का टाइम नहीं मिला। कहाँ पहनने का टाइम मिला, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, कपड़े कुपड़े तो भाई बस दूर ही रहे वहाँ पे ये वाले। बट मैंने आज पहनी, तो बताना आपको कैसी, और क्या होता हूँ मैं आपको, जिस शॉप से ले ली ना वो भैया भी हमारे को जानते हैं अब तो, यार सच में वो तो बचाने लगी, कि हम जब भी जाते ना वहाँ से मॉल रोड से, तभी हमारे को बचा लेते हैं। गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखने पसंद है अब, क्योंकि अब स्नोफॉल तो खत्म हो गई है, अब स्नो के ब्लॉग तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब स्नो का टाइम हो गया आउट, और अब डेली ब्लॉग आपको फैमिली हमारे देखने को मिलेंगे। तो अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, और बहुत ही जल्द हमारे बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि हम कुछ अलग लेवल का करने वाले हैं। बट मेरे को आपके राय चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों की स्पोर्ट्स की वजह से ये सब कुछ हो पाएगा। तो बहुत जल्दी हमारी फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है, और एक धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अब कंटिन्यू आपको ब्लॉग हमारे देखने को मिलेंगे। हम थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया है, हमने शाम को 5 बजे हमारा ब्लॉग आएगा। तो आप लोगों की हमने कमेंट पूछा था, तो आप लोगों ने सबने यही बताया कि हमें 5 बजे आपका ब्लॉग देखना है। तो चलो ठीक है, 5 बजे आप जरूर देखना, और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो ठीक है, फिर इस ब्लॉग में एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और ऐसे मुस्कुराते रहिए, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।